हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 6 से 8 तक की जेनरिक वर्कशीट नंबर 13 लेकर आई हूँ, जो कि प्रदूषण के ऊपर बनाई गई है। तो बच्चों, इसमें प्रदूषण के बारे में बताया गया है पूरी वर्कशीट में कि किस तरह से प्रदूषण से हमें एलर्जी होती है, बीमारियाँ होती हैं, और ये प्रदूषण किस वजह से होता है, पटाखों के जलाने से होता है, ठीक है ना। तो इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको करवा देती हूँ बच्चों। सबसे पहला प्रश्न है, वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारी होती हैं? तो आंसर है, वायु प्रदूषण से दम घुटना, अस्थमा, अटैक, एलर्जी और फेफड़ों की बीमारी होती है। प्रश्न नंबर 2 है, पटाखों का हमारे वातावरण पर क्या असर होता है? पटाखों से प्रदूषण होता है और बीमारियां फैलती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अस्पतालों में OPD में 20 से 30% मरीज क्यों बढ़ गए? तो इसका आंसर है, प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों की वजह से OPD में मरीजों की संख्या 20 से 30% बढ़ गई। प्रश्न नंबर 4 है, इस मौसम में डॉक्टरों की क्या राय है? तो आंसर है, बाहर जाने से पहले मास्क लगाएं, भीड़ में ना जाएं, शरीर को ढककर रखें, क्योंकि डेंगू के मच्छर का डर बना हुआ है। और प्रश्न नंबर 5 है, वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने अनुभव के आधार पर सुझाव लिखिए। तो इसका आंसर है, पटाखे नहीं जलाने चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए व निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये थी बच्चों आपकी आसान सी वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।